हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन सो बच्चों आज हमारी जो क्लास है इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर थर्ड हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं यहाँ सो सोवर टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन देखिए तो हमारा आज का जो है सबसे पहले हम डाउट हैंडल करने जा रहे हैं अभी के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो आपने क्वेश्चन हमसे पूछे हैं उनको हम देखेंगे तो जैसे आपने कहा क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इसे हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी सो वी हैव आई इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी चलिए देखिए इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे सामने जो फंक्शन दिया गया है इसको हमको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है तो देखिए आप जानते हैं सभी लोग कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो एक तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो फंक्शन साइन है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी बैठा हुआ है तो आप यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी को टी ले सकते हैं ओके तो आप साइन एक्स प्लस बी को टी ले लें चलिए तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को यहाँ पे यदि आप टी सपोज कर लेते हैं तो किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को आपने डी सपोज कर लिया क्लियर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी टी बाई डी एक्स सो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए तो अब हम यहाँ पे से कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू यदि मैं डी एक्स बना लूँ तो इट विल बी डी टी बाई ए क्लियर बेटा सो आई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी को आपने टी e मान लिया है एंड कॉस ए एक्स प्लस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी टी बाई ए अब आप यहाँ से कॉस ए एक्स प्लस बी को डी टी बाई ए बनाने के बाद में इसको आप लिख दें यहाँ पे वन अपॉन ए ठीक है वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी सो वन बाई ए इंटीग्रेशन टी डी टी आपने कर दिया जिससे कि ये आपके पास क्या हो जाएगा वन बाई ए और इंटीग्रेशन होने के बाद बन जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी लगा दीजिए एज ए इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ओके हाँ यहाँ पे स्क्वायर आएगा टी दिस विल बी वन बाई ए और टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपने इसको साइन ए एक्स प्लस बी को आपने टी माना था ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी होल्ड डिवाइडेड बाय टू क्लियर सो ये कितना आ गया फन बाय टू ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस बी होल्ड सॉरी होल्ड हो चुका प्लस सी क्लियर है बेटा ये आंसर आएगा तो देखिए बच्चों यदि यहाँ पर आप इस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे आपके पास फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है या इसी को आप कह सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ से यदि हम वैल्यू देखें साइन स्क्वायर एक्स की या साइन स्क्वायर थीटा की तो साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा डिवाइड बाई टू ये वैल्यू हमको दिखाई दे रही है ठीक है वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू ए तो वैसे का वैसे ही रहेगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू टाइम्स ए एक्स प्लस बी बिकॉज एंगल में ए एक्स प्लस बी है होल डिवाइडेड बाई टू प्लस सी सो इसको सॉल्व कर दीजिए ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन टू ए इंटू टू कितना हो जाएगा वन बाई फोर ए और ब्रैकेट में वन माइनस कॉस टू टाइम्स ए एक्स प्लस बी प्लस बी होल्ड डिड बाई कुछ भी नहीं है तो प्लस सी ठीक है यही आंसर आया बेटा आपका यस सर हाँ तो ये बिल्कुल सही है इसमें कोई गलत बात नहीं है इस आंसर में एकदम सही है ठीक है ओके yes, डन। okay, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कोई डाउट है क्या देखिए बच्चों अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट ट्वेल्व पॉइंट फोर की तरफ बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट फोर यार क्या दिक्कत हो रही है आज स्क्रीन ही हिल रही है एक मिनट से मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ दिक्कत हो रही कुछ इसको आज ओके गाइस तो सेवन पॉइंट फोर एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं और सेवन पॉइंट फोर एक्सरसाइज में हमारे पास एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हो रहा जा रहा है जिसके लिए हमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं ओके okay? हालांकि इन डायरेक्ट फॉर्मूले का भी प्रूफ है इन डायरेक्ट फार्मूले का भी प्रूफ है बट आपको इनके प्रूफ की तरफ नहीं जाना है आपको इन फॉर्मूले को डायरेक्ट ही याद करना है एज इट इज़ आपको ऐसे के ऐसे ही इन फॉर्मूले को याद कर लेना है चलिए यदि हम इन फॉर्मूलेस की बात करें कि ये फॉर्मूले कौन कौन से हैं तो देखिए जैसे सबसे पहले आपके पास में फार्मूला है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके okay. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप इसको फाइंड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसका डायरेक्ट फार्मूला याद करिए वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए इसका डायरेक्ट फार्मूला ये है वन बाई ए टेन एनवर्स एक्स बाई ए क्लियर क्लियर हुआ बेटा हाँ आप इसको निकाल भी सकते हैं बट इसके लिए आपको सब्सटीट्यूशन आना चाहिए जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा का प्रॉपर सब्सटीट्यूशन करेंगे उसके बाद में ये सॉल्व हो जाएगा ठीक है नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से होगा कोई डिफरेंशिएशन तो है नहीं ये तो अच्छा आप इसको टी भी नहीं ले सकते टी कैसे मान लेंगे एक्स की पावर कितनी है टू है तो टू पावर पे क्या टी मानना अप्लाई होता है नहीं होता ना तो इसलिए टू पावर पे अप्लाई नहीं होता है या तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ हो तो अप्लाई होगा अब आप टी मान के करोगे क्या फंस जाओगे कुछ नहीं होगा आप मान के करके देख लें कुछ भी इसे हासिल नहीं होगा चलिए देखिए आप यदि इसको कहते हैं टी मान करके यदि आप इसको करना चाहते हैं तो देख लीजिए इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स है ठीक है तो आपने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आपने d e मान लिया तो डिफ्रेंशिएट किया आपने तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया टू एक्स आ गया अब सवाल ये है कि अब इस x का क्या करेंगे आप कहाँ से लाएंगे x x को लाने का कोई चांस नहीं है है क्या बताइए तो इसलिए यहाँ पे यहाँ पे हमारे टी किसी काम का नहीं है समझ में आया तो देखिए बच्चों जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है आई इज इक्ल्स टू है ना थ्री एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर सिक्स प्लस वन को हमें इंटीग्रेट करना है तो कैसे ये फॉर्मेट में बनेगा ये आप इसे ऐसे लिख लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स की पावर थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन अब आप एक्स क्यूब को अगर टी ले लेंगे तो देखिए फायदा होने वाला आपका ऊपर डी टी बन जाएगा टी इज इक्वल्स टू आपने क्या ले लिया एक्स क्यूब सो डी टी बाई डी एक्स कर दिया आपने कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर सो डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स मतलब ये जो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स है इसकी वैल्यू आपने क्या कन्वर्ट कर ली डी टी कन्वर्ट कर ली एंड नाउ दिस विल बी टी का स्क्वायर प्लस वन या आप ये कह सकते हैं डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर क्लियर है अब आप जानते हैं कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है टेन इनवर्स एक्स होता है होता कि नहीं होता वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन टेनवर्स एक्स होता है तो वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा टेन इनवर्स टी क्लियर अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो टी की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स टी की वैल्यू आपने ली थी एक्स क्यूब ओके तो इसका आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी क्लियर है बेटा ये देखिए इसका आंसर है टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी एनी प्रॉब्लम यस स्टार्टिंग की प्रोसेस समझ में नहीं है देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या था थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वन ये आपके पास में क्वेश्चन था जब ये आपके पास में क्वेश्चन है तो आप आप इसको क्या करेंगे क्योंकि ऊपर थ्री स्क्वायर है थ्री एक्स स्क्वायर किस का होता है एक्स क्यूब का आप जानते हैं कि एक्स क्यूब का डेरेवेटिव कितना बनता है

थ्री एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर देंगे सो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया क्लियर की नॉट क्लियर ओके तो बस यही करना है आपको थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स को आपने डी टी सपोज कर लिया और यहाँ पे डी टी की वैल्यू पुट कर दीजिए थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन वन प्लस टी स्क्वायर कर सकते हैं और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है टेन इनवर्स एक्स का तो यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन वर्स टी का टी की वैल्यू रिप्लेस करिए प्लस सी क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमको एक नए कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करेगा इसके लिए आपको सभी फॉर्मूले आने चाहिए जैसे अगला फॉर्मूला आपको बनना चाहिए इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ठीक है ना क्या फार्मूला आपको आना चाहिए इन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका फार्मूला नोट करें इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू ओके वन अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह दें

एन सी आर टी यदि बुक आपके पास में है तो आप उनको उसको देखें आपको मिल जाएंगे फॉर्मूले डन देखिए तो यदि जैसे कहा बच्चों ने कि आपको फॉर्मूले देने पर फॉर्मूले यदि याद नहीं करना है तो ये आपको सब्सटीट्यूशन बहुत बड़े पड़ेंगे मगर ये सब्सटीट्यूशन जो आपके दिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए साइन थियेटा टू ए कॉस पुट करना तो ये टूशन इधर आप याद कर लें तो आपका काम थोड़ा हल्का हो सकता है ओके एक तो ये चीज है तो ये बहुत मगर फिर भी बहुत टाइम टेकिंग है तो इससे अच्छा जो आपको ट्रिक बताई गई है ये सारे फॉर्मूले आपके लिखे हैं एक जगह ये कहाँ लिखे हुए ये हम पढ़ चुके हैं हाँ ये देखिए अंडरवुड वन माइन एक्स एक्स स्क्वाइन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन वक्स वन एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन वर्स एक्स होता है डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन सेकेंड वर्स एक्स होता है या माइनस कॉ सेकंड वर्स एक्स अभी ये मेन फॉर्मूले आए हैं जिनमें मैं सर्कल बना रहा हूँ ये देखिए इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है जैसे अभी अभी हमने बात करी किसकी अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बात करी हमने तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडरवूड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यदि आपके पास में फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है क्लियर हो गया तो इस फॉर्मूले को याद करके आप बहुत जल्दी अपना आंसर ले आएंगे ठीक है तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में सॉरी वन बाय टू नहीं आता है मैंने वन बाय टू गलत कर दिया था यहाँ पे कितना होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर फॉर्मूले यदि आपको याद हैं तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन करते हैं हम यही क्वेश्चन हम उठा लेते हैं क्वेश्चन क्या है वन अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें दिया गया है फंक्शन तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं सो लेट्स राइट आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स देखिए हमारी कोशिश क्या है हमारी कोशिश ये है कि हम रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बना पाएँ जिसको बाद में जाके हम डी एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे पलटने में कोई दिक्कत नहीं है तो ये वेरिएबल है तो मैं सबसे पहले इसको I इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट क्या लिखूंगा इसको मैं इसको मैं लिखता हूँ वन का स्क्वायर और फोर एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ टू एक्स का होल स्क्वायर तो अब ये देखिए कहीं ना कहीं जाकर के ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बदल सकता है तो यहां पे टू एक्स है और अंदर x की पावर वन है तो मैंने बताया था जब भी x की पावर वन दिखे तो आप t e ले लीजिए तो लेट t इक्वल्स टू आपने क्या सपोज कर लिया टू एक्स सपोज कर लिया तो टीवल्स टू आपने टू एक्स मान लिया तो क्या हो जाएगा dt टी बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी टी बाई टू चलिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन टू तो वन बाई टू बाहर आ गया और रूट के अंदर वन का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर तो ये हमारी फॉर्मेट बन चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जिसको मैं लिख सकते हैं वन बाई टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर क्लियर क्लियर की yes, अब देखिए इसके बाद मैं इस में इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्लस का ऑफ तो यहाँ पे टी है टी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स लगाना मत भूलिए यहाँ पे सी लगाना ना भूलें अब इसके बाद में टी e की वैल्यू पुट कर दें तो लॉग टी आपके पास में कितना है t आपने लिया था टू एक्स तो लॉग ऑफ टी की जगह टू एक्स प्लस अंडर का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा वन ब्रैकेट बंद कर दें और सी लगा दें यही आपका आंसर है क्लियर हो गया बच्चों 也是。Yes,